हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 ज्यादा है। हम एज्यूम करते हैं लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स, तो लेंथ हो जाएगा एक्स प्लस 3 मीटर। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द हॉल, और एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया x प्लस 3, ब्रेथ हो गया x, तो एरिया आ गया x स्क्वायर प्लस 3x। ऑल्सो, और क्या दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 238 मीटर स्क्वायर, ऑल्सो एरिया इक्वल टू 238 मीटर स्क्वायर, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ये भी एरिया है और ये भी एरिया। कैलकुलेट इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 238, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 238 इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, तो हम 238 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से चला जाएगा ये 11 और 18 9 बार में, और ये 119 किसके टेबल में आएगा 19 7 जा। ठीक है, तो अब 7 और 2 को अगर हम एक साथ ले ले, तो 7 और 2 हो गया 14 और ये हो जाएगा 19, तो मिडिल टर्म मिल गया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 14x माइनस 238 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 19 और माइनस 14 कॉमन आ गया यहाँ पे, तो ये भी बच गया एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 19 आ गया एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस 14 आ गया एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो यहां से x का दो वैल्यू मिल गया, x इक्वल टू माइनस 19 और x इक्वल टू 14, तो माइनस 19 तो पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू 14। x हमने एज्यूम किया था ब्रेथ को, तो ब्रेथ हो गया 14 मीटर और लेंथ हो जाएगा 17 मीटर।